दोस्तों आज की इस वीडियो में चर्चा होगी बलराज साहनी पर। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बलराज साहनी ने भी अपने जीवन में कई आघात सहे। लेकिन उन्होंने कभी भी उन दुखों के आगे हार नहीं मानी। मानव सेवा में उनकी कभी कोई कमी नहीं आई। उनके चरित्र की मजबूती और हृदय की विशालता इस बात से जाहिर होती है कि संसार से विदा लेने के चंद मिनट पहले इन्होंने सभी भारतवासियों को उन्हें दिए गए प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि जिंदगी ने उन्हें जो कुछ भी दिया वो उनकी काबिलियत से ज्यादा था। यानी चाहते चाहते भी शुक्रिया अदा करना, इसका आभार मानना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैंने भी उनकी रुखसती की बात की। 1973 में उनका देहांत हो गया। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 59 साल के वो थे। और अपनी बेटी जो सबसे छोटी बेटी थी शबनम, उससे बहुत अटैच थी। हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। वो बेटी उनकी गुजर गई थी, उससे वो थोड़ा तनाव में रहने लगे थे। और 1973 में मैसिव कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हो गया। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। दोस्तों जब वो मृत्यु संयम पर थे और उनके आसपास बहुत से लोग एकत्रित थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे देशवासियों से मेरा स्नेह संदेश कह देना कि मैंने एक सुखी जीवन जिया है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों का निर्वहन न किया जाए। अपने पुत्र अजय साहनी यानी परीक्षित साहनी से उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी शैया पर लाल पताका और लेनिन के पुस्तकें रख देना, और ये अंतिम इच्छा उनकी पूरी भी की गई। भारत सरकार ने उनके हिंदी सिनेमा को योगदान के लिए 2013 में जब उनकी बर्थ सेंटेनरी थी, डाक टिकट भी रिलीज किया और उनको सम्मानित किया। एक नेचुरल एक्टर, एक बेहतरीन कलाकार जिन्होंने काफ़ी लंबी पारी खेली। हालांकि उनकी मृत्यु 59 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन मेरिटोरियस काफ़ी लंबी पारी थी फिल्मी सफ़र में उनकी। दोस्तों इस वीडियो के शुरू में ही मैंने जिक्र किया था, जो अच्छे कलाकार होते हैं वो सबसे पहले बहुत अच्छे इंसान भी होते हैं। बलराज साहनी अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन इंसान भी थे, और उन्होंने जो अपनी जिंदगी गुजारी वो अपने आप में एक रोल मॉडल है। भारतीय सिनेमा में अगर किसी दमदार नेचुरल एक्टर की बात की जाए तो बलराज साहनी से बड़ा कोई शख्स हमें नजर नहीं आता। अपनी दुआएं जाया न करो बाबा, ये लो। उनके जीवन में जो मेजर टर्निंग पॉइंट आया वो था 1953 में, जब उनको बिमल रॉय ने अपनी फिल्म 2 बीघा जमीन में कास्ट किया। अब की अगर फसल अच्छी हो गई तो नथुराम सोनार से तेरी वो पायल की जोड़ी छुड़ा लाऊंगा। जब तू मेरे लिए खाना लाया करेगी तो दूर से रुन झुन की आवाज आया करेगी, बहुत मजा। बलराज साहनी की पहले से ही दिल ही इच्छा थी कि वो इस फिल्म में काम करे। हालांकि शुरुआती दौर में बिमल रॉय को लग रहा था कि जिस तरीके के इंसान है बलराज साहनी, वो इस रोल को शायद जस्टिफाई ना कर पाए। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म का कैरेक्टर जो था, जो लीड रोल था, एक किसान की बात थी, जो धरती पुत्र है किसान, जो व्यथा है उसका जो कैरेक्टर है, उसको देखकर बिमल रॉय को लगा कि ये जो व्यक्ति है ये इस कैरेक्टर में फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन बलराज साहनी इस फिल्म में काम करना चाहते थे, तो पहले रिजेक्शन के बाद उन्होंने उसी गेटअप में यानी बिल्कुल किसान के भेष में, धोती कुर्ता और चेहरा और पगड़ी माथे पे,
इस गेटअप में जाकर वो बिमल रॉय के सामने खड़े हो गए। तो एक बार तो बिमल रॉय पहचान ही नहीं पाए थे कि ये बलराज साहनी है। इतने प्रभावित हुए बलराज साहनी से कि अतथाय उन्होंने इस रोल के लिए बलराज साहनी को चुन लिया। 1953 में फिल्म आई थी 2 बीघा जमीन, इसे विमल रॉय ने बनाया था और बहुत मशहूर हुई थी फिल्म। ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसको इंटरनेशनल कास्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। सफल भी रही थी ये फिल्म बहुत। साथ ही साथ जब बलराज साहनी ने इस फिल्म में काम करना शुरू किया, उससे पहले उस रोल की तैयारी के लिए वो जो हाथ रिक्शा जो चलाते थे कलकत्ता में, उन लोगों के साथ रहे, वो कैसे बातचीत करते हैं, उनकी ज़िंदगी क्या है और किस तरीके से हाथ रिक्शा ले करके वो दौड़ते हैं, वो सारे काम इन्होंने रिहर्सल के तौर पर, जैसे कि फिल्म में उनके एक्सप्रेशन और जो भाषा है वो बिल्कुल नेचुरल। मुझे किसी बात की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, मेरा बच्चा भी रोजगार करने लग गया। जमीन गंवा चुके मजदूर रिक्शा चालक की भूमिका में नजर आए तो कहीं ये महसूस ही नहीं हुआ कि कलकत्ता की सड़कों पर रिक्शा खींच रहा रिक्शा चालक शंफू नहीं है, बलराज साहनी है। दरअसल पात्रों में पूरी तरह से डूब जाना ही बलराज साहनी की खूबी थी। इसीलिए शुरू में कहा था दोस्तों कि नेचुरल एक्टर। अगर किसी को भारतीय सिनेमा में देखा जाए तो बलराज साहनी का नाम सबसे ऊपर मेरे दिमाग में तो आता है। उसके बाद 1961 में बिमल रॉय जैसे दिग्गज फिल्मकार ने बलराज साहनी को रिपीट किया। फिल्म थी काबुलीवाला। दोस्तों रविंद्रनाथ जी की विख्यात कहानी काबुलीवाला पर ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म में एक पठान की भूमिका में थे बलराज साहनी। और उस पठान का दर्द कि वो अपनी बेटी से दूर है, लेकिन जब वो एक लड़की को देखते हैं जो उनकी बेटी की हम उम्र है, तो कैसे वो अपना प्यार अपना दुलार बच्ची पर लुटाते हैं। दोस्तों फिल्म काबुलीवाला में सीन है अंत में जब मिनी की शादी होने वाली होती। और काबुलीवाला है जिसका रोल बलराज साहनी जी ने किया था, वो अपनी लड़की जो पीछे अफगानिस्तान में छूट गई है उनसे, और जिसका नाम अमीना है, उसको याद करते हैं। उस रोल में जो बेतवास दिखता है, वो मील का पत्थर आज भी लोगों के दिमागों में वो सीन अंकित है। दोस्तों बलराज साहनी का हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी, इन सभी भाषाओं में उन्हें महारत हासिल थी और वो बहुत अच्छे लेखक भी थे, वक्ता भी थे और अभिनेता भी थे। उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए लिखा भी है। इस प्रेम राइटिंग में भी बलराज साहनी साहब ने अपने हाथ आजमाए और ये भी हुनर उनके पास था। देवानंद की जो फिल्म थी बाजी, उसका स्क्रीन प्ले उन्होंने ही लिखा था और 1951 में ये फिल्म आई थी। इस फिल्म को गुरुदत्त ने डायरेक्ट किया था। अपने समय की बहुत चर्चित फिल्म रही थी और इस फिल्म के गाने आज भी बहुत पॉपुलर हैं। दोस्तों एक बार देवानंद साहब ने कहा था कि दुनिया में रफ़ी साहब और बलराज साहनी जैसे शरीफ और ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। शायद इसी को भी या मजबूरी के चलते बलराज साहनी पाखंड नहीं कर पाते हैं। उन्होंने बताया है कि जब वो शूटिंग के लिए आते थे तो मोटरसाइकिल पर, ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें अखिल भारतीय कलाकार एसोसिएशन को स्थापित कर फिल्मों में काम करने वाले जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो छोटे कलाकार थे, वो आजीविका के हक दे पाए। दोस्तों वो कम्युनिस्ट पार्टी के गार्ड उल्लेख मेंबर थे और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के फायर ब्रांड लीडर थे। प्रेसिडेंट वो चुने गए थे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के, और पीके वासुदेवन नायर के साथ उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो मजदूरों की समस्याओं से वो हमेशा जुड़े रहे और उनकी आवाज़ को प्लेटफॉर्म देने के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। बलराज साहनी ने जितने भी काम किए उन कामों में अपनी पूरी मेहनत लगाई और किसी भी काम को आधे मन से कभी नहीं किया। चलता है वाला एटीट्यूड उनका नहीं था, किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से जस्व हो जाना और उसको
मंजिल तक पहुंचाना उनकी फितरत थी। दोस्तों, मैंने जिक्र किया था 1947 में फिल्म आई थी गुड़िया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी दमयंती के साथ काम किया था। हालांकि उनका साथ दमयंती साहनी के साथ ज़्यादा नहीं रहा। 1948 में उनकी डेथ हो गई थी। दमयंती की डेथ होने के 2 साल बाद उन्होंने संतोष जंदोक से शादी कर ली थी, और संतोष जंदोक भी जो है वो फिल्म नॉन ऑथर थी और टेलीविज़न के लिए उस ज़माने में लिखा करती थी। दोस्तों, 1964 में एक फिल्म आई थी हकीकत, और ये वो दौर था जब देश की महिलाओं ने प्रधानमंत्री युद्ध कोष में मदद के लिए अपने मंगल सूत्र तक दे दिए थे। देशभक्ति पर यह फिल्म थी, और स्वतंत्रता के बाद अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और भारत इस तरीके से तैयार भी नहीं था। तो 1962 का जो चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ था, वो एक तरीके से शौक था भारत के लिए। इस फिल्म में उनके साथ थे धर्मेंद्र, और इस फिल्म की कहानी, अच्छा अभिनय, मजबूत स्क्रिप्ट और निर्देशन, ये सब बहुत ही खूबसूरत थे। इस फिल्म के गीत इतने अच्छे थे, इसमें कलाकारों ने अभिनय इतना खूबसूरत किया था कि जब दर्शक सिनेमाघरों से वापस आते थे तो सबकी आंखों में आंसू होते थे। इस फिल्म में जो देशभक्ति पर गाने फिल्माए गए और जो पर्दे पर लोगों ने देखे, आज भी वो गाने बहुत मशहूर हैं और उन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं। दोस्तों, 1949 में कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थन होने के कारण बलराज साहनी लगभग 6 महीने जेल में थे, और शायद वो एकमात्र अभिनेता होंगे जिन्हें मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ बोलने के लिए जेल भेजा गया था, और जिसे कानून की तिहाड़ी एक मजदूर के तौर पर पूरी इज्जत के साथ फिल्म सेट पर काम करने का भी अधिकार दिया गया था। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। हलचल एक फिल्म थी जिसकी शूटिंग चल रही थी। हलचल में बलराज साहनी का जो किरदार था वो एक जेलर का किरदार था। जेल से आते थे कैदी की वेशभूषा में, और सेट पर आकर वो एक जेलर की वर्दी पहनते थे और वो रोल करते थे। उसके बाद कैदी की वेशभूषा में लौट जाते थे जेल के लिए। दोस्तों, हलचल फिल्म का ये वाक्या मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि एक तरफ आप एक जेलर की भूमिका निभा रहे हैं और आप खुद उस समय कैदी हैं। क्या कंकास्ट है। दोस्तों, हम उनके फिल्मी सफ़र पर भी एक नज़र डालते हैं। 1946 से उन्होंने काम करना शुरू किया था, और जैसा कि हम लोगों ने जिक्र किया है, शुरुआत की फिल्में थी उनकी दूर चले धरती के लाल, बदनामी, गुड़िया, मालदार, हम लोग, हलचल। लेकिन एक फिल्म 1955 में इनकी आई थी नूतन के साथ, और फिल्म का नाम था सीमा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अम्या चक्रवर्ती ने, और इस फिल्म के गीत भी बहुत मशहूर हुए, चाहे वो तू प्यार का सागर है, मनमोहना, बड़े छोटे, बहुत ही खूबसूरत गीत हैं दोस्तों इस फिल्म के। सीमा भी उनकी एक फिल्मी करियर की एक नायाब फिल्म है। अशोक बाबूजी का रोल उसमें उन्होंने किया था। तो जैसा कि मैंने अभी गानों का जिक्र किया, तो गानों की एक झलक सुन लेते हैं। दोस्तों, बलराज साहनी की और दूसरी फिल्में आईं, गरम कोट, टकसाल, परदेसी, माई बाप, लाल बत्ती, कठपुतली का जिक्र हम कैसे छोड़ सकते हैं। ये भी 1957 के आसपास फिल्म आई थी, और वैजयंती माला के साथ इस फिल्म में बलराज साहनी नज़र आए थे। और दोस्तों, ये फिल्म प्रोड्यूस की थी अजय चक्रवर्ती और अम्या चक्रवर्ती ने, और इस फिल्म के गीत भी बहुत मशहूर हुए। संगीत था शंकर जयकिशन का, वैजयंती माला उनके साथ थी, और वो गीत बोल रे कठपुतली प्यारी, इसमें जो एक्सप्रेशंस दिए हैं वैजयंती माला ने, उसे भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ऐसा कोई भी किरदार नहीं है जो बलराज साहनी ने ना निभाया हो, चाहे वो उच्च वर्ग का किरदार हो या उच्च माध्यम वर्ग का हो या फिर निम्न वर्ग का किरदार। ये सच है दोस्तों, तलाक फिल्म इनकी आई थी जिसमें इन्होंने मिलन हेयर की भूमिका निभाई। बहुत रिच आदमी की वो एरोगेंस, वो एक्सेंट, वो उनका उसमें नज़र आता है। और दूसरी तरफ जिक्र किया था दोस्तों मैंने बीघा जमीन, एक किसान का किरदार निभाया, जो किसान अकाल पड़ता है और वो गांव को छोड़ के शहर में आ जाता है,
और हाथ रिक्शा खींचने पर मजबूर हो जाता है अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए। तो कैसे भी रोल रहे हो, उन्होंने सारे